रईस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान और अनवर मैं हूँ मोहम्मद और सलाम। मैं हूँ जफर इकबाल। और देखने जा रहे हैं सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। भाई आंसू गिर रहे से मैं पहले ही पवित्र हो गया। प्रभु, आपको भूख लगी होगी ना? हाँ, मैं फल लेकर आती हूँ। फल लेकर आती हूँ, अभी लाऊं। बरसों से प्रतिदिन आपके लिए मैं मीठे मीठे बेर लेकर आती हूँ प्रभु। बरसों से सब मीठे नहीं। लक्ष्मण भी थोड़ा सा ब्रेक जाना। प्रशंसा के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। क्या इतने वर्षों बाद ऐसा लगा जैसे माता कौशल्या ने अपने हाथ से खिला दी हो। लक्ष्मण, ऐसे मीठे फल तो भगवान को वैकुंठ लोक में भी नहीं मिल सकते। ये सब मेरे परम गुरु महामुनि मदन की शक्ति का प्रभाव है। उनके तपोबल के प्रभाव से इस मतंग मन में फूल कभी नहीं मुरझाते, फल सदैव ताजे रहते हैं। इस आश्रम के चारों ओर समस्त प्राणी अपनी हिंसा वृत्ति छोड़ देते हैं। परम गुरु जहाँ बैठते थे उनके चरणों में वन के सिंह और आश्रम की गाय बकरियां एक साथ पानी पीती थी। उनको परलोक सिधारे वर्षों बीत गए, परंतु जिस वेदी पर बैठकर वो यज्ञ किया करती थी उसमें अभी तक एक तेज एक प्रकाश की आभा झलकती रहती है।
एकत्र होगा वो स्थान। और कितनी भाग्यशाली हैं आप जो ऐसे परम गुरु की सेवा करने का पुण्य प्राप्त हुआ। उसी सेवा का पुण्य फल है जो आपके दर्शन हुए हैं। हे राम, साक्षात भगवान का दर्शन करके मेरे कई जन्मों के पुण्य फलीभूत हो गए हैं। जब आपके चित्रकूट पहुंचने का समाचार मिला, उन्हीं दिनों गुरुदेव आश्रम के समस्त मुनियों को लेकर दिव्य विमानों में बैठकर अपने धाम को चले गए। मुझमें भक्ति भाव की प्रधानता देखकर उन्होंने विशेष कृपा के कारण मुझे इसी कुटिया में रहने का आदेश देकर कहा कि एक दिन श्री राम लक्ष्मण के साथ इस आश्रम में आकर तुम्हारे अतिथि बनेंगे। उनके दर्शन मात्र से तुम अपनी भक्ति का चरम फल प्राप्त करोगे। इसके पश्चात तुम हमारे पास आ जाना। उन्हें हमारे आने का ज्ञान था? हाँ प्रभु, उन्होंने कहा था कि श्री राम अपनी भार्या की खोज में यहाँ आएंगे। तुम उन्हें महाबली सुग्रीव तक पहुँचाने का मार्ग बताकर कहना कि वह सुग्रीव से मित्रता करके राम पर अवश्य विजय पाएंगे। पता है हर चीज। और सीता सहित आनंद पूर्वक अयोध्या जाएंगे। ये भावी निश्चित है प्रभु। आपसे दोनों नाग के गंधर्व ने जो कुछ कहा है मैं उसका समर्थन करती हूँ। आपने ये समाचार सुनाकर जैसे अपने परम गुरु का आशीर्वाद मुझ तक पहुँचा दिया है, अब कृपा करके ये बताइए कि हम महाबली सुग्रीव तक कैसे पहुँचे। आप अनजान की बातें पूछते हैं प्रभु, तो बता दें यहाँ से आगे जाने पर आपको पंपासुर नाम का एक सुंदर सरोवर मिलेगा। उसके दक्षिण तक की ओर ऋषिमुख और मन्याद्री नाम के दो पर्वत शिखर दिखाई देंगे। सुग्रीव अपने चार मंत्रियों सहित वही रहते हैं जिनमें हनुमान नाम का आपका एक चिर परिचित भक्त भी है। उनके सहयोग से सुग्रीव से भेंट होने पर आपके द्वारा सुग्रीव का एक इंटरेस्टिंग कार्य भी पूर्ण होगा। आपके इस आश्वासन को मैं आपका आशीर्वाद मानता हूँ माता। अब यदि आप हम पर कृपा करें तो आपके परम पूजनीय गुरु जहाँ पर तपस्या करते रहे हैं उस पवित्र स्थान के भी दर्शन करा दें तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। अवश्य आप वो स्थान देखेंगे प्रभु। मेरे गुरु का स्थान देखने योग्य है। आइए वो स्थान दर्शन करने योग्य है। पधारिए आइए। देखो लक्ष्मण, जब एक मनुष्य स्वार्थ की सीमा को लांघकर परमार्थ की भूमि में तपस्या करता है तो उसकी शक्ति में कितना तेज होता है। इन ऋषि ने हिंसा के प्रदेश में जो अहिंसा और धर्म की ज्योति जलाई थी उसका प्रकाश इतने वर्षों में भी क्षीण नहीं हुआ। महामुनि, आप जहां भी हो हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम कर्तव्य और परमार्थ के पथ पर दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़े। वाकई यार क्या यार एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि एक माता शबरी यार उनको तो देखा जाए तो उनकी भाई इतनी ज़्यादा खुशी है, पता नहीं वो कितनी देर से वेट कर रही हैं राम जी का, कि जब उनके गुरु जी ने बोला था कि राम जी लक्ष्मण जी के साथ आएंगे और इन चीज़ों का पता था सबको, मतलब जो महर्षि थे उनको पता था कि ये चीज़ें होगी। अब सबसे पहले जो अभी एक महर्षि को उन्होंने छुड़ाया वो वाला भी देख लें, उन्होंने भी यही बात बोली है। लेकिन आगे उन्होंने बताया शबरी जी का, तो यहाँ आए हैं
तो यहाँ आकर अब उन्होंने यही बोला है कि गुरुजी ये बताया करते थे बहुत नहीं, बाकी है कि बहुत है कि भाई एक माता को खुशी हो रही थी कि क्योंकि वो मतलब कि राम जी और लक्ष्मण जी आए थे, लेकिन जब एक उन्होंने फ्रूट की ऑफर की है ना तब एक इंटरेस्टिंग था, क्योंकि एक लक्ष्मण जी थोड़ा सा एक देख रहे थे कि जूठे बेर कैसे खा सकते हैं, लेकिन राम जी को सब चीज़ों का पता था और सब वो जानते थे, इसलिए भाई उन्होंने अच्छा देखो उनका कैसा प्यार है कि एक बेर चक चक कर रखे हुए थे कि कोई एक बेर ऐसा ना आ जाए, खट्टा ना आ जाए, सारे मीठे बेर थे, टोटली हाल है। नहीं बिल्कुल क्या प्यार है, काफ़ी एक जो है ना वो मतलब एक मज़ा आया ये चीज़ देख के, लेकिन दूसरी तरफ भाई ये देख लो कि उनको हर चीज़ की इंफॉर्मेशन थी, हर चीज़ जानती थी कि आगे आगे मतलब सीता जी का, हालांकि उनको ऑलरेडी पता था कि ये सीन हो चुका होगा, उसके बाद एक राम जी उधर पहुंचेंगे और आगे उन्होंने महाराज सुग्रीव प्लस जो है ना वो हनुमान जी वो भाई वहाँ पे उस पहाड़ियों पे एक अपने चार मंत्रियों के साथ विराजमान है, आप देखो आगे भाई बिल्कुल बाकी इधर दर्शन भी किए हैं भाई एक गुरु जी के एक राम जी ने, वो भी काफी एक अच्छा था, इंटरेस्टिंग था। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक।